स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कवायद शुरू की गई है, जिसके चलते हवा को साफ रखने के लिए काम किया जा रहा है। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आशा वर्करों के साथ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यशाला में सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने शिरकत की और इस मौके पर आगामी दिनों में चलने वाले अभियान क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के बारे में बताया गया। सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के समय में पूरा वातावरण स्वच्छ हो गया था और इसी को बरकरार रखते हुए एक अभियान के तहत हवा को साफ करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि अगर वातावरण स्वच्छ नहीं होगा तो लोग बीमारियों से घिर जाएंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोगों में संदेश जाना चाहिए कि हवा को साफ करके रखना चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। प्रोग्राम है जो बहुत ज्यादा आज चल रहा है वो है हमारा एयर पोल्यूशन क्लीन स्काई। आपने भी देखा कि जब हमारा लॉकडाउन चल रहा था तो सब अखबारों में भी सोशल मीडिया में भी सब जगह हमने देखा कि आसमान बहुत साफ नजर आ रहा है। सभी बोलते थे दूर तक स्नो व्यूज भी नजर आती है, पहाड़ की वो भी नजर आने लगे थे, बर्फ की पहाड़ भी नजर आने लगे थे, क्योंकि हमारा एटमोसफियर क्लियर हो चुका था। इसलिए कि हमारे एयर में हम मगर और एयर पोल्यूशन से मैं ये बोल रही हूँ कि अगर जैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारा इर्द गिर्द हमारा पोल्यूटेड होगा तो हम अपने आप को बीमारियों में घेरते हैं। तो मेरा ये यहाँ आप लोगों से अनुरोध रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं और बच्चों के लिए ये प्रोग्राम ज़्यादा अभी तक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इस माध्यम से हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट महिलाओं में ये मैसेज जाए, बच्चों में ये मैसेज जाए, स्कूलों में ये मैसेज जाए ताकि हम एयर पोल्यूशन हम आब हवा को साफ कैसे रख सकते हैं। मैं रफ एक बात कर रही हूँ कि अगर हमारे इर्द गिर्द हमारा एटमोसफियर साफ है तो हम एक सांस साफ हवा में सांस ले रहे हैं, और अगर साफ हवा में सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर कीटाणु कम जा रहे हैं। जैसा कि अब आप देखते हैं कि कोविड को ही ले लीजिए, आप सब अवेयर हैं कोरोना के चक्कर में, आप सब ने मास्क भी पहने हैं, बट आपने खुद देखा होगा कि मास्क शाम तक गंदा हो जाता है। कैसे हो जाता है गंदा? कि हमारी हवा में इतनी पोल्यूशन है, इतने कण हैं कि शाम तक इसका कलर बदलने लग जाता है। तो अगर हम इस एयर पोल्यूशन को बचा सकें, अपने इर्द गिर्द के इसमें सफाई रख सकें और एयर की कंडीशन हमारी बेटर होगी, तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हम थोड़ा और स्वस्थ हो सकते हैं, और अगर स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर अर्चना सोनी ने कार्यशाला में आए हुए आशा वर्करों के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों से आह्वान किया कि कार्यशाला में हासिल की गई जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करें ताकि इनका लाभ सभी को मिल सके। बेसिकली सरकार क्यों चाहती है कि हम इतना ज्यादा आईसी करें? जितनी ज्यादा हम पब्लिक में मैसेज देंगे, जितना लोगों में अवेयरनेस करेंगे, उतना ही लोगों में आप ये अवेयरनेस आएगी, ये मैसेज आएगा कि हाँ हम ऐसा कर भी सकते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से और जो हमारे PRIs बैठे हैं उनके, क्योंकि अक्सर हमारी जो कार्यशालाएं हैं, जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं वो आपके थ्रू होती हैं, और बहुत सारी कार्यशालाओं में हमारे PRIs इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी PRIs के साथ भी कि जब भी आपके यहाँ कोई एक्टिविटी चल रही हो तो हेल्थ की एक्टिविटीज पर जरूर स्ट्रेस दीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल लेटेस्ट प्रोग्राम चल रहे हैं नेत्रदान, और अगला प्रोग्राम जैसा कि हम एयर पोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही नया लॉन्च हुआ है। तो जब तक हम इसको विलेज लेवल तक, गांव लेवल तक, आम व्यक्ति तक इस मैसेज को नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये मैसेज हमारे तक ही सीमित रह जाएगा। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई अभियान के तहत आगामी दिनों में पूरे जिला भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए आशा वर्करों के द्वारा गांव में जाकर लोगों को अभियान के बारे में अवगत करवाया जाएगा।